पर बिलासपुर से है बड़ी खबर है। घर में घुसकर रेप पीड़िता से मारपीट की गई है। जमानत पर छूटे आरोपी ने मारपीट की है। असल में ये चाहता है कि केस वापस लिया जाए, केस वापस लेने की धमकी दे रहा है। पीड़िता की शिकायत पर FIR दर्ज है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये वही आरोपी है जो जमानत पर छूटा है। और उसके बाद देखिए, कई बार आप सोचते होंगे ना कि कोर्ट जमानत क्यों नहीं देती है, तो उसके पीछे एक रीज़न होता है, क्योंकि जो आरोपी है वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। अब देखिए ना, ये रेप पीड़िता के पास गया, उसे मारा पीटा और दबाव बनाया। दबाव क्या बनाया कि केस वापस ले ले, जिससे ये जो जमानत पर छूटा हुआ है ये बाइज्जत बरी हो जाए। अगर किसी को अपनी इज्जत की इतनी ही फिक्र है तो वो इस तरह की वारदात को अंजाम ही क्यों देता है। अगर आपको बाइज्जत बरी ही होना है तो इस तरह की वारदात, रेप जैसी जघन्य अपराध की वारदात को अंजाम देना। जितेंद्र हमारे साथ है। जितेंद्र, क्या इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल में डाल दिया गया है? बिल्कुल, देखिए, दुष्कर्म का आरोपी है जो कि जमानत पर बाहर आया था, और बाहर आने के बाद फिर से इसने पीड़िता को घर में घुसकर धमकाया है, उसके साथ मारपीट की है। हालांकि इसकी शिकायत जो है फिर से सिविल लाइन थाने में पीड़िता ने दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल आरोपी को अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन एक गंभीर बात है, जिस तरह से आरोपी पहले दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता है, पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, वो जेल जाता है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के बीच वो जमानत पर बाहर छूटता है और वह फिर से उसी वारदात को अंजाम देने वो पीड़िता के घर पहुंचता है, उसको धमकाता है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से भी लगातार स्थितियां निर्मित हो रही है, पुलिस ने तत्परता दिखाई है, तत्काल जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, फिर से आरोपी जो है उसको जेल भेज दिया गया है। लेकिन सोचने वाली भी बात है कि लगातार इस तरह की वारदातें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं समाज को भी इसको सोचना होगा कि लगातार कई घटनाएं जो है सामने आ चुकी है, उसके बावजूद इस तरह की घटना घटित हो रही है। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए।